जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी धाम, वो भी वृंदावन के छठी करा में। तो यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग सुबह 7 बजे से करीब दोपहर के 1 बजे तक रहता है और वहीं शाम को 4 बजे से करीब 8 बजे तक रहता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको मेंशन कर ही दिया था। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है माँ वैष्णो देवी धाम, वो भी वृंदावन की पावन नगरी में। तो अभी हम लोग गुफा में प्रवेश ही कर रहे हैं जहाँ पे आपको माता रानी के 9 स्वरूपों का दर्शन मिल जाएगा करने को। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप प्रेम मंदिर में पहुँच चुके हैं तो वहाँ से आपको करीब ई-रिक्शा लेना पड़ेगा, करीब 10 से 15 रुपये लेके आपको यहाँ पे पहुँचा देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी नया काम करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो हम लोग भी सबसे पहले श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और सबसे पहला दर्शन हम लोग उन्हीं का करते हैं, वो भी माता रानी के बाद। तो आप देख ही रहे हो कितनी ही प्यारी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे गणेश जी की बनाई गई है। अभी तो आपको मैं यहाँ से माता जी के विभिन्न 9 स्वरूपों के दर्शन भी कराने वाला हूँ, तो बस उसके देखने के लिए बने रहे फुल वीडियो में। तो सबसे पहले अपन दर्शन करते हैं माता रानी, माता वैष्णो माता का, जो कि आप सामने देख रहे हो। बहुत ही प्यारी प्रतिमा यहाँ पे माता रानी का बनाया गया है। और इसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं और माता जी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात तो है, अगर आप यहाँ कभी भी आए होंगे तो माता रानी के साथ कुछ यादें आप समेट के जरूर ले गए होंगे, क्योंकि मंदिर और माता जी की प्रतिमा ही इतनी प्यारी बनी है कि आप अपने आप को रोक सकते ही नहीं है। और हम लोग बारी बारी से माता रानी के हर एक स्वरूप का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ हम लोगों को करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं माता रानी के दर्शन करने में। माता रानी का हर स्वरूप यहाँ पे अलौकिक लग रहा था। और इतना ही नहीं, माता रानी का जो भजन था उसकी तो बात ही निराली थी। माता रानी का जो यहाँ भजन चल रहा था ना, उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो हम लोग जन्नत में ही पहुंच गए हों। यहाँ पर जो कोई भी लोग माता रानी के ऐसे सुंदर भजन सुन रहा था ना, वही पर माता रानी के इसी प्यारे से भजन को गुनगुनाते हुए और साथ में माता रानी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जा रहा था। तो उसी भीड़ का हिस्सा हम लोग भी हो ही जाते हैं। और यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जितना अच्छा ये मंदिर बना है ना, उससे ज्यादा कहीं अच्छे यहाँ के माता रानी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मंदिर तो बाहर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन अंदर से वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हम लोगों ने तो ऐसा शायद ही कभी देखा होगा, लेकिन माता रानी के दर्शन हो गए, उससे बड़ी बात और क्या होगी हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ आके आप कब 2-3 घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा कि 2-3 घंटे बीत चुके हैं, तब तक ऐसा लगेगा कि अभी तो टाइम ही क्या हुआ है यहाँ घूमते हुए। तो हम लोगों का टाइम हो गया था कंप्लीट और दर्शन भी हो गए थे कंप्लीट। तो अब हम लोग निकलते हैं, माता रानी के दर्शन तो हम लोगों ने कर ही लिया था, तो अब माता रानी से लेते हैं अलविदा। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे और भी जगह जाना था। और आप जैसा देख रहे हो भीड़ यहाँ बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी गुफा के अंदर जाता है ना, तो बस वो गुफा के अंदर ही रह जाता है, बाहर निकलने का उसका मन ही नहीं करता। तो अभी हम लोग आ चुके थे एग्जिट गेट पे। तो जैसा देखो एग्जिट गेट पे लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है बाहर जाने का रास्ता, लेकिन भीड़ बहुत कम थी इसलिए ये रास्ता एक ही हो गया था। और एग्जिट गेट पे आप देखेंगे कि कान्हा एक तरफ तो गाय चरा रहे हैं, तब दूसरी तरफ भी राधा रानी के साथ वन में बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग निकलने का टाइम हो गया था बाहर के लिए, लेकिन मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और वृंदावन में अगर आप आए हो तो यहाँ की पावन धरती पे अगर एक बार आपने नमन कर दिया तो समझ लो कि आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं होगा। तो जैसा देखे हम लोगों का भी ऐसा ही हाल था, वहाँ से आने का हम लोगों का वापस मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। माता रानी का माँ वैष्णो देवी धाम जो कि है छठीकरा वृंदावन में, देखने में बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और फाइनली हम लोग ने यहाँ एक बार तो गए, लेकिन अब दोबारा जाने का भी हम लोग सोच ही रहे हैं। तो आप कमेंट में ये जरूर बताना आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा और माता जी के 9 प्रतिमाओं के दर्शन, 9 रूपों का दर्शन वो आपको कैसा लगा, तो एक बार कमेंट करना तो बनता है। तो बोलिए माता रानी की जय, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना तो बनता है।